हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल सो फ्रेंड्स आई होप आप सभी फ़िट एंड फाइन होंगे और आपके एग्जाम्स भी अच्छे से जा रहे होंगे सो so फ्रेंड्स आज के सेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम तो देखिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का टॉपिक है अदरवाइज भी अगर आप ये टॉपिक सर्च कर रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम तो ये आपको कम्प्लीट डिटेल में यहाँ पर देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद द डायग्राम्स सो देखिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो क्वेश्चन है ये आपको पेपर्स में देखने को मिलता ही मिलता है या तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन देखने को मिल जाए ह्यूमन नर्वस सिस्टम पर या फिर आपको इसका जो पार्ट है लाइक like ब्रेन है या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है या फिर पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर या फिर सेरिब्रम है सेरिब्लम है इनके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आते हैं तो उस अकॉर्डिंग मैं सारा कंटेंट यहाँ पर मैनेज करके कर लेकर आई हूँ ताकि अगर आपको इंडिविजुअल पर भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो वो भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएं इतना सफिशिएंट मटेरियल आपके पास होना चाहिए एंड दैट शुड आल्सो बी अ क्वालिटी मटीरियल सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ लेट्स बिगिन विद अ सेशन तो देखिए सबसे पहले नर्वस सिस्टम ह्यूम्स का क्या होता है हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी की कंप्लीट फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है हमारे जो थिंकिंग प्रोसेस हैं हमारे सेंसेशन है इवन द आइज वी ब्लिंक ठीक है वो भी क्या है हमारा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की कोर्डिनेशन मूवमेंट्स ठीक है वो मोटर स्किल्स जो होते हैं वो सारा कौन कंट्रोल करता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम ठीक है ऑलमोस्ट एवरी थिंग यू डू थिंक से और फील दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंट्रोल कह लो या फिर आप इसको चाहे गाइड कह लो सो दिस इज़ ऑल डन बाय द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इट ऑल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन विद यर बॉडी डज विदाउट थिंकिंग जो हम सोचते हैं या फिर ब्रीदिंग ब्लशिंग ब्लिकिंग ये सारी चीज़ें कहाँ पर कंट्रोल होती हैं हमारा जो नर्वस सिस्टम है इस चीज़ को कंट्रोल करता है ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो क्या चीज़ें इससे अफेक्ट होती हैं नर्वस सिस्टम अफेक्ट्स एवरी आस्पेक्ट ऑफ योर हेल्थ इंक्लूडिंग हमारे जो थिंकिंग प्रोसेस हैं थाट्स मेमोरी लर्निंग एंड फीलिंग्स ठीक है चाहे दिल की भी बातें हैं वो भी कहाँ हैं दिमाग तक तो पहुँचती है ना ये सभी कोऑर्डिनेटेड मोमेंट्स होती हैं तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम देन मूवमेंट सच एस बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन सेंसेज इंक्लूडिंग योर ब्रेन इंटरप्रेट्स जो भी हम चीज़ सोचते हैं उस चीज़ को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं ठीक है ठीके? ये सारी फंक्शनिंग किसके थ्रू होती है हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या चीज़ें हम देखते हैं टेस्ट करते हैं टच करते हैं फील करके उसकी सेंसेशन फील होती है लाइक like अगर हमारे बॉडी uh, पार्ट पर कहीं पर भी कीड़ी भी चढ़ जाए ना चींटी होती है जो छोटी सी वो भी चढ़ जाए तो हमें सेंसेशन वो हमारे ब्रेन तक मैसेज जाएगा कि कोई चीज़ है वाइब्रेशन हो रही है हमारी बॉडी पर या फिर कोई मूवमेंट हो रही है तो हमारा एक्शन होगा हमारा हाथ उस चीज को हटाने की कोशिश करेगा क्लियर देन इज स्लीपिंग हीलिंग एजिंग देन इज हार्ट बीट ब्रीदिंग पैटर्नस तेज हो जाती है धड़कन या फिर धीरे हो जाती है है ना सिचुएशंस जब हम लाइक uh, like, कोई आंसर करने वाले हैं ओरल क्वेश्चंस क्लास में पूछे जाते हैं या फिर हम सेमिनार अटेंड कर रहे हैं सेमिनार दे रहे हैं स्पेशली या फिर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो हमारी जो हार्ट बीट है वो कुछ हद तक फास्ट हो जाती है क्लियर तो ये सारी क्या है नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए तो ये सारी चीज़ें आप देखो अपने आंसर में ये चीज़ें मैंशन कर सकते हो दिस कम्प्लेक्स सिस्टम इज़ द कमांड सेंटर फॉर योर बॉडी इट रेगुलेट्स योर बॉडी सिस्टम्स एंड अलाउ यू टू एक्सपीरियंस योर इन्वायरमेंट हम जो भी सराउंडिंग्स में रहते हैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना उसमें सरवाइव करना उसमें अपना रिएक्शन देना हमारी बॉडी की जो मोमेंट्स होती हैं जो हमारे फीलिंग्स होती हैं ठीक है वट्स एवर एक्शन या फिर आ, हमारी बॉडी का जो सिस्टम चलता है वो हमारे नर्वस सिस्टम से ही चलता है अब देखिए वॉट आर द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम अब हम बार बार नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं लेकिन इसने भी ना अपने आप को काफ़ी चीज़ों में फर्दर डिवाइड किया हुआ है जैसे हम कंप्यूटर की बात करते हैं ना कि सारे फंक्शंस कंप्यूटर करता है लेकिन कंप्यूटर थोड़ी करता है कुछ फंक्शंस तो जो है सी करता है कुछ फंक्शंस जो हैं उसके इनपुट डिवाइसेस करते हैं कुछ फंक्शंस आउटपुट डिवाइसेस करते हैं यानी कि इसने अपने असिस्टेंट रखे हुए हैं अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उसी तरह से ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इसके फर्दर वेरियस पार्ट्स हैं जो अपना अपना फंक्शन अलग का परफॉर्म करते हैं और सभी आके अपने हाई कमांड को रिपोर्ट करते हैं दैट इज़ द ओवरऑल ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो इनका हेड है ठीक है ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं अब हम वन बाय वन इन सभी चीज़ों को देखेंगे और डिटेल में देखेंगे द नर्वस सिस्टम हैज़ टू मेन पार्ट्स बेसिकली थ्री होते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी टू मेन पार्ट्स ईच पार्ट कंटेन्स बिलियंस ऑफ सेल्स कॉल्ड तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा न्यूरॉन्स जो हमें सभी में देखने को मिलता है और नर्व सेल्स दी स्पेशल सेल्स सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू योर बॉडी टू टेल इट वॉट टू डू तो हमारा नर्वस सिस्टम का ये बहुत बड़ा एक पार्ट है न्यूरोन्स जो हमारे बाकी दो मेन पार्ट्स में भी पाया जाता है इसलिए पार्ट्स को अलग से बताया है लेकिन न्यूरॉन भी क्या है इसका एक पार्ट है जो सेंडर और रिसीवर का काम करता है इसी के थ्रू बॉडी में मैसेजेस जाते हैं और ब्रेन तक वापस आते हैं ठीक है जी अब देखिए द मेन पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम क्या हैं दो हैं हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम है तो वन बाय वन देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेक अप योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब फर्दर ब्रेन में भी अलग से चीज़ें होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करें इसके अलग फंक्शंस हैं अलग चीज़ें हैं तो सभी को क्या है ना एक हिरार्किकल इनका स्ट्रक्चर बन जाता है जैसे हम कहते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये इनका हेड आ गया इसके नीचे आ गए तीन पार्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है यहाँ पे आ गए न्यूरॉन्स देन हियर इज द पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ गया फिर स्पाइनल कॉर्ड आ गई न्यूरॉन्स में हम देखेंगे फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के होते हैं सोमैटिक और ए से होता है एक तो ये इस तरह का ना स्ट्रक्चर बन जाएगा अगर आपको कंप्लीट ह्यूमन नर्वस सिस्टम पर क्वेश्चन आए तो इस तरह की आप डायग्राम ज़रूर बना के आइएगा उसमें सो देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है इट कन्जिस्ट ऑफ मैनी नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिस सिस्टम रिलेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू योर ऑर्गन्स ठीक है हमारी सारी बॉडी पार्ट्स तक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है इसमें दो तरह के नर्वस सिस्टम पेरिफेरल के टू टाइप्स होते हैं टू पार्ट्स होते हैं एक्चुअली टाइप्स नहीं होते इसमें टू पार्ट्स होते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है विच गाइड्स योर वॉलंटरी मूवमेंट्स जो वॉलंटरी मोवमेंट्स हम करते हैं वो कौन गाइड करता है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है इट कंट्रोल्स एक्टिविटीज यू डू विदाउट थिंकिंग अबाउट देम एकदम से जैसे ही हम आइज़ को ब्लिंक करते हैं या फिर हम ब्रीद करते हैं बिना सोचे समझे करते हैं ना वो एक्टिविटीज सारी कौन कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लेकिन जो चीज़ें हम सोच कर करते हैं या फिर लाइक like, मैं अभी बोल रही हूँ सोच रही हूँ और फिर हम इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे जा रहे हैं हमारे माउथ को कि हमने ये चीज़ें ये वर्ड्स बोलने हैं ठीक है ठीके? तो वो फंक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्लियर हो गई ये चीज़ इतना नहीं है हम इसको डिटेल में करेंगे थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है ताकि हम थोड़ा सा बेस बिल्डअप कर पाएं। सो नाउ कम्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका जो स्ट्रक्चर है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैज़ थ्री मेन कॉम्पोनेंट्स तीन मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं इसके वो है द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड द न्यूरॉन्स, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था थर्ड वन इज द न्यूरॉन तो इसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स होते हैं ईच पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये अपना अपना रोल अदा करते हैं इसमें सो so, सबसे पहले देखो ब्रेन ब्रेन कंट्रोल्स मैनी ऑफ द बॉडीज फंक्शन इंक्लूडिंग सेंसेशन थाट मूवमेंट अवेयरनेस एंड मेमोरी द सर्फेस ऑफ ब्रेन इज नोन एज सेरेब्रल कॉटेक्स जो ब्रेन का सर्फेस होता है ना उसको क्या बोलेंगे हम सेरिब्रल कॉटेक्स द सर्फिस ऑफ कॉटेक्स अपीयर्स बम्पी थैंक्स टू द ग्रूव्स एंड फोल्ड ऑफ द टिशूज जो ग्रूव्स एंड टिशूज़ होते हैं ना उसके कारण ये बम्पी सा फील होता है यानी कि इस तरह का एक जैसे बम्प नज़र आता है हमारे हेड में ठीक है ब्रेन में ईच ग्रोव इज नोन एज सल्कस विद वाइल ईच बम्प इज ऑल्सो नोन एज गायरस ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है अगर आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड अदरवाइज़ आप ये चीज़ छोड़ भी सकते हैं ग्रूव्स और बम्प की जो बात है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम अब ये देखो ब्रेन के फर्दर पार्ट्स बता रहे हैं क्या है फर्स्ट इज सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है मैं आगे इसकी डायग्राम्स भी दिखाऊंगी क्लियर होंगे आप बस थोड़ा सा इसको देखते जाओ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन एज मेमोरी स्पीच वलन्ट्री बिहेवियर्स एंड थाट तो देखो मेमोरी है या फिर हम जो चीज़ बोलते हैं वलन्ट्री बिहेवियर्स हैं या हमारी थिंकिंग प्रोसेस हैं वो कौन कंट्रोल करता है दैट इज़ द सेब्रम जो हम कहते हैं कि इस तरह का ये ढांचा होता है हमारे ब्रेन का यहाँ पे फर्दन वेरियस पार्टीशन होती हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पे जाकर एक होता है हमारा सेरिबलम ठीक है ये सारा ढांचा ये जो बड़ा सा ढांचा है ना ये सारा ये वाला सारा दिस इज सेरिब्रम और ये छोटा सा जो होता है ना सेरिबलम होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये रोल अदा करता है नाउ सेरिब्रम इज़ डिवाइडेड इंटू टू हेमिसफेयर हम कहते हैं कि दो हेमिसफेयर होते हैं लेफ्ट साइड होती है हमारे ब्रेन की और राइट साइड होती है ठीक है तो वो सेरिब्रम की होती है राइट हेमिसफेयर एंड द लेफ्ट हैमिसफेयर जो राइट साइड है वो किस चीज़ को कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑन द बॉडीज़ लेफ्ट साइड हमारा जो राइट ब्रेन है वो हमारी बॉडी की लेफ्ट लेफ्ट बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है लेकिन जो हमारा लेफ्ट हैमिस्फेयर है वो हमारी बॉडी राइट साइड वाली को उसकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है देन देखो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन द ओल्ड मिथ्स ये चीज़ें तो छोड़ दो ये पैराग्राफ आप लोग मत देखो देन ईच हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू फोर इंटरकनेक्टेड लोब्स ये इंपॉर्टेंट है चार तरह की इंटरकनेक्टेड लोब्स होती हैं फ्रंटल लोब्स आर एसोसिएटेड ये पहले मैं आपको डायग्राम ही दिखाती हूँ इस चीज़ की सो so, यहाँ पे देखो हमारे पास है सेरिब्रम ठीक है ये देखो ये जो बड़ा वाला है ये सारा स्ट्रक्चर सेरिब्रम है ये वाला जो मैंने मार्क कर दिया है क्लियर और सेरिबलम क्या है ये जो नीचे है ये है सेरिबलम जो आपको नज़र आ रहा है देन इज द ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम कहाँ पर है यहाँ पर ठीक है ये जो हमें नज़र आ रहा है ना ये क्या है ब्रेन स्टेम फाइनली ये क्या होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे मैसेजेस इसके थ्रू सारे नीचे ट्रांसमिट होते हैं देन उसके बाद होता है देखो यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा दिस वन दिस इज़ पिक्चरी ग्लैंड यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्चरी ग्लैंड एंड दिस वन इज द पाइनियल ग्लैंड बिल्कुल छोटे छोटे से हैं ये डायग्राम आप ध्यान से देख लो इस तरह की डायग्राम आपको एग्जाम में भी बना कर आनी है अगर आपको वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम पर क्वेश्चन आ गया तो ब्रेन के डायग्राम जरूर बनाकर आना अगर आपको सेरिब्रम या फिर सेरिब्लम पर क्वेश्चन आता है तो वो भी आपको डायग्राम पक्का बनाकर आनी है ठीक है ये देखो इसकी डायग्राम जो मेन है वो मैं बाद में आपको शो करूँगी तो अब हम लोब्स के बारे में बात कर रहे थे जो सेरिब्रम है इस हर एक लेफ्ट और राइट साइड में ईच हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन इज देन डिवाइडेड इंटू फोर इंटरकनेक्टेड लोब्स फर्स्ट इज द फ्रंटल लोब्स ऑसिपिटल लोब्स पेराइटल लोब्स एंड द टेम्पोरल लोब्स फ्रंटल लोब्स का क्या काम होता है ये एसोसिएट किसके साथ करते हैं हमारी जो हायर थिंकिंग होती है कॉग्निशन मीन्स हमारी जो दिमाग के साथ रिलेटेड होता है हायर मेंटल एक्टिविटीज वॉलेंट्री मूवमेंट्स और जो लैंग्वेज है जैसे हमने इंग्लिश पैडागोजी में भी पढ़ा है हमारे जो स्किल्स होते हैं कॉग्निटिव यानी कि दिमाग के साथ रिलेटेड क्या है हम सोचते कैसे हैं दिमाग के साथ सोचते हैं फिर जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं हम बोलते हैं वो भी हम सोचे हुए शब्द बोलते हैं ना बोलते किसी लैंग्वेज में है तो ये सारा काम किसका है फ्रंटल लोब्स का जो मेन मोटा मोटा सा काम होता है कि बोलने वाला सोचने वाला देन इज ऑसिपिटल लोब्स जो हमारे किसके साथ रिलेटेड हैं विजुअल प्रोसेसेस की यानी कि जो हमारी आइज को कंट्रोल करते, है, करते हैं विजुअल प्रोसेसेस के साथ देन इज द पेरिटल लोब्स विच आर एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन जो हम चीज़ों को सेंस करते हैं लाइक हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ठीक है थीके? या फिर किसी भी चीज़ को हम इमीडिएट सेंस कर लेते हैं वो पेरेटल लोब्स हैं देन फाइनली टेम्पोरल लोब्स ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं हमारे ईयर्स वाली फंक्शनिंग के साथ ही दैट इज़ हियरिंग एंड इंटरप्रेटिंग साउंड जैसे हम आवाज़ सुनते हैं हमें पता लगता है ऊपर से एरोप्लेन जाता है हम ये तो नहीं बोलते कि बहुत ज़ोर से बर्ड की आवाज़ आ रही है एरोप्लेन की है भैया ठीक है बर्ड की आवाज़ अलग होती है ह्यूमन बींग्स की अलग होती है डॉग्स की अलग होती है तो वो सारी आवाज़ें हमारे कान में जाती हैं हम उसको इंटरप्रेट करते हैं या फिर कोई गॉसिप करते हैं दूर से हम ध्यान से सुनते हैं है ना कान पास में ला कि हमें पता लगे क्या बातें चल रही हैं किसकी चुगली कर रहे हैं तो वो क्या है टेम्पोरल लोब्स की फंक्शनिंग होती है उसमें ठीक है ये चारों के चारों लोब्स इंपॉर्टेंट हैं और इनके ये फंक्शनस हैं नेक्स्ट देखिए अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ ब्रेन इंक्लूड द बेसल गैंग्लिया गैंग्लिया होता है सेरिबलम होता है ब्रोकर्स एरिया ये मेडुला होता है इसमें मेडुला भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है मेडुला होता है थैलमस होता है हाइपोथैलमस तो ये मैं आपको डायग्राम जो है शो कर ही चुकी हूँ देन इस द देखो स्पाइनल कॉर्ड नीचे रह गया था हमारा ये सारी स्पाइनल कॉर्ड है जिसको हम बोलते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी होती है द ब्रेन हैज थ्री मेन पार्ट्स विच आर कॉल्ड ब्रेन स्टेम सेरिब्लम एंड सेरिब्रम तो तीन मेन पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के ब्रेन स्टेम सेरिब्लम एंड सेरिब्रम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपॉर्टेंट फंक्शंस रिलेटेड टू होम्योस्टैटिस लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट तो ब्रेन स्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये आप लोग ना इसका थोड़े कीवर्ड्स देखो ब्रेन स्टेम फॉर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट ठीक है द सेरिब्रम इज इन्वॉल्व इन फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन मोटर लर्निंग एंड मोर फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन लाइक राइटिंग ड्रॉइंग ठीक है जो हम छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं हमारी हैंड्स की सेरिबलम उसके लिए रिस्पॉसिबल होता है हमने किए थे ना फाइन मोटर स्किल्स ग्रॉस मोटर स्किल्स ग्रॉस में क्या होता है लाइक जंपिंग रनिंग जॉगिंग ठीक है डांसिंग लेकिन फाइन मोटर स्किल्स में जहाँ पे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हमारी फ़िजिकल uh, मूवमेंट्स की इन्वॉल्व होती है जैसे हम चीज़ों को लिखते हैं ड्राइंग करते हैं कलरिंग करना स्केचिंग करना ठीक है ये सारी क्या है हमारी फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन ये किसका काम है सेरिबलम का काम है जो नीचे छोटा सा हमने देखा था सेरिब्रम का ठीक है देन इज सेरिब्रम सेरिब्रम इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन इट इज़ डिवाइडेड इन टू सेक्शन कॉल लोब्स ऑल ऑफ विच हैव डिफरेंट फंक्शंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है थीके? ये ऑसिपिटल लोब का क्या था इसका विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रंटल लोब का क्या काम था हमारे जो मोटे मोटे काम करता था ठीक है हमारा जो कॉग्निशन है हमारी लैंग्वेज है वो सारा कंट्रोल हमारी स्पीच कौन करता है ये जो फ्रंटल लोब है साथ साथ देखो रिवाइज हो रहा है ठीक है देन इज द स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड इज लाइक द हाईवे ऑफ द बॉडी ये ब्रेन और हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी का हाईवे होता है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं न हमारी स्पाइनल कॉर्ड इट कैरिज इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी यानी कि सेंडर और रिसीवर का काम कौन करता है स्पाइनल कॉर्ड इट इज असेंशियल फॉर सेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन वेन देर इज डैमेज टू स्पाइनल कार्ड अगर स्पाइनल कॉर्ड में जरा सा भी डैमेज हो गया ना समझ लो जो मैसेजेज का अर्दान प्रदान का काम है ना वो कमज़ोर हो जाता है कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है बॉडी के कंट्रोलिंग सिस्टम में अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होती है तो हमारे किसी बॉडी सिस्टम में लाइक like, अगर हम कहते हैं कि पैरालिसिस जिन लोगों को होता है ठीक है उनका बॉडी का कुछ पार्ट जो है वहाँ पे मैसेज नहीं पहुँचता या फिर ब्लड ब्लॉक हो जाता है तो वो फंक्शनिंग सारी कंट्रोल नहीं हो पाती है ढंग से दैन देर आर मैनी कंडीशन डैट कैन अफेक्ट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसी कंडीशन कौन कौन सी हैं ये भी एग्जाम्पल्स देख लो लाइक like एपिलेप्सी ये जो ज़्यादातर लोगों ने सुनी हुई है कैंसर की ठीक है ट्रामेटिक ब्रेन इंजरी है प्राइन डिजीज़ है या फिर ये मल्टीपल uh, सेलर है या फिर ये तो मैंने पहली बार ही सुनी है डिजीज़ ठीक है तो ये सारी डिजीज़ होती हैं अगर हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं देन देखिए है स्पाइनल कॉर्ड अब थोड़ा डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स द ब्रेन वायर द ब्रेन स्टेम एंड देन रन डाउन द थ्रू द स्पाइनल कैनल लोकेटेड इन साइड द वर्टिब्रे हमारे बॉडी में बैक पे वर्टिब्रे होता है वहाँ से होता हुआ इन साइड वर्टिब्रे स्पाइनल कॉर्ड होता है तो स्पाइनल कैलन के थ्रू कैनाल के थ्रू हमारी बॉडी के डाउन ये रन करता है इट स्पाइनल कॉर्ड कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू एंड फ्रॉम द ब्रेन ठीक है ब्रेन की तरफ से लेकर जाता है और बॉडी से ब्रेन की तरफ वापस लेकर आता है वाइल इट ब्रे वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू नेक्स्ट द स्पाइनल कॉर्ड इज अबाउट एटीन इंचज इन लेंथ जनरली ये बताया गया लेकिन हाइट पर डिपेंड करता है कि इस पर्सन की कितनी हाइट है ठीक है बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है तो उस अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकता है लेकिन जो एवरेज सा है ना वो एटीन इंचज का होता है इसकी लेंथ तो थर्टी वन स्पाइनल नर्वस एंटर इन टू द स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम में कहाँ होता है ये थर्टी वन स्पाइनल नर्व एंटर करती हैं स्पाइनल कॉर्ड में देन द नर्व स्पाइनल कंजिस्ट ऑफ जो नर्व्स होती है ना स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वहाँ पर क्या होता है एट सर्विकल नर्वस होती हैं ट्वेल्व थोरसिक नर्वस होती हैं फाइव लंबर नर्वस होती हैं फाइव सैक्रल नर्वस वन कोसाइगियल नर्व होती है तो ये देखो लर्न तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड पे क्वेश्चन आता है अगर थ्री मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है तो कुछ चीज़ें आपको इतना इस हद तक आपको मेंशन करना पड़ेगा एंड मोस्ट प्रॉब आपको लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है वो या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आ जाता है या फिर सेरिब्रम uh, सेरिब्रम पर आ सकता है या फिर पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम पर आ सकता है स्पाइनल कॉर्ड पर आने के चांसेस कम होते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा देखने को मिलता है बट ऐसा नहीं है कि इस पर आ नहीं सकता अगर आ गया तो आप बाद में बोलोगे मैम आपने बोला नहीं था मैं बात कर रही हूँ प्रॉबिबिलिटी की कि चांसेस कम होते हैं नेक्स्ट देखिए है हमारे पास सेरिब्रम अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है अगर आपको ब्रेन की डायग्राम आती है सेरिब्रम सेरिब्रम ठीक है या फिर आपको जैसे लोब्स भी पूछे जाते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए लोब्स पर तो आप ये डायग्राम भी ड्रा करके आ सकते हैं और ये बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ पे देखो आपको कलर से डिस्टिंग्विश किया गया है ये जो आपको नजर आ रहा है ठीक है ब्लू पर्पलिश सा कलर ये कौन सा है दिस इज़ द फ्रंटल लोब जो बिल्कुल फ्रंट वाला पोर्शन होता है ठीक है नेक्स्ट देखो ये जो ऑरेंज कलर शो हो रहा है दिस इज़ द देरेटल लोब देन इज द टेम्पोरल लोब ये जो येलो वाली है इंसुलर लोब ये जो ग्रीन वाली है देन इज द ऑसिपिटल लोब ये जो बैक साइड में है एंड हेयर इज द cerebellum ये देखो बिल्कुल नीचे जिसको आपने नाना पाटेकर की मूवी भी देखी होगी ना वो बोलता है यहाँ पे छोटा दिमाग होता है यहाँ पे मत मारो मैं अक्सर मूवीज़ की एग्जाम्पल देती हूँ easily याद रह जाता है मुझे भी easily याद रहता था तो वही एग्जाम्पल देती रहती हूँ मैं भी तो यहाँ पर देखो क्या है ये हमारा छोटा दिमाग जिसको सेरिब्लम कहते हैं क्लियर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट फॉर फाइन मोटर मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी जो कॉर्डिनेशन होती है फाइन मोटर स्किल्स जो होते हैं ठीक है ठीके? ये डायग्राम देख लो चाहे इसका स्क्रीन ले लो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ऐसे ही डायग्राम आप ड्रॉ करके आ सकते हैं साथ में आप कलर्स भी लेकर जा सकते हैं इसको थोड़ा और हाईलाइट uh, करने के लिए और इसी तरह से आप बता सकते हैं कि ये लोब्स कौन कौन सी हैं ये कलर इस लोब को शो करते हैं बहुत बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है ये अगर आप इस तरह से करके आ सकते हैं ठीक है ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा इसमें नेक्स्ट देखो सेरेबलम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है ये जो हमने नीचे देखा था सेरिब्लम ठीक है तो वो अब इसको फर्दर इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये देखो ये जो है प्राइमरी फिशर है एंटीरियर लोब है दिस वन ये जो नर्व दिखाई हुई है ना ये है प्राइमरी फिशर नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर लोब ये जो ब्लू पोर्शन वाली यहाँ पर दिखाई है देन इज़ पोस्टीरियो लेटरल फिशर ये जो यहाँ पर हमें लाइन सी बनी हुई है देन इज़ फ्लोकोनो लो नो डुलर लोब बड़े अजीब से नाम है यह आप बस पहले ही याद कर लो इसके तो यहाँ पर ये जो हमें टिल्टेड सा पोर्शन इस तरह से नजर आ रहा है ना दिस इज द लोब देन इज द फंक्शंस ऑफ सेरिब्लम अब देखो एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वॉट आर द फंक्शंस ऑफ सेरिब्लम ठीक है सेरिब्लम के बारे में बताओ और उसके जो फंक्शंस हैं तो थोड़ा सा आप ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बताएंगे जो डायग्राम है वो ड्रॉ करेंगे सेरिब्रम वाली ठीक है वहां पे सेरिब्लम दिखाएंगे एंड फर्दर जो सेरिब्लम की अलग से डायग्राम है जिसमें हमने ये डिस्कस किए हैं सारे लोब्स एंड फिशर ये आप बनाकर दिखा सकते हैं तो बेसिकली इसके जो फंक्शन हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं द सेबलम हैव सेवरल फंक्शन रिलेटेड टू मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन के रिलेटेड इसके जो फंक्शंस हैं मेंटेनिंग बैलेंस इट हैज स्पेशल सेंसर्स दैट डिटेक्ट शिफ्ट्स इन बैलेंस एंड मूवमेंट यानी कि बैलेंस बनाना

और अगर हम गिटार बजाते हैं कैस्यू प्ले करते हैं तो हमारे फिंगर्स किस तरह से मूव होती हैं कब कौन सा नोट बजाना है वो क्या है हमारी मोटर स्किल्स वो कौन कंट्रोल करता है सेरिब्लम ठीक है जी अदर फंक्शन क्या हैं इसके रिसर्चर्स बिलीव दैट द सेरिब्लम हैज़ सम रोल इन थिंकिंग इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग लैंग्वेज एंड मूड लेकिन जनरली ये जो फंक्शंस है ये किसके होते हैं सेरिब्रम के क्लियर हो गया जो हमने उसमें लोब्स डिस्कस की थी दैन फाइनली इज़ द थर्ड वन दैट इज़ द न्यूरो हमने डिस्कस किया था थर्ड पार्ट इज़ द न्यूरोस तो न्यूरोन्स क्या हैं दिज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोस के थ्रू ही न्यूरोन्स में क्या है बेसिकली नर्व सेल्स फ्लो करते हैं हमारी पूरी बॉडी में नर्व सेल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं बॉडी की कम्युनिकेशन में बॉडी में क्या फिजिकल रिस्पॉन्स होता है वो ब्रेन तक लेके जाना है एंड सो ऑन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नर्व सेल्स कैन बी फाउंड थ्रू आउट द बॉडी एंड कम्युनिकेट विद वन एन अदर टू प्रोड्यूस फिजिकल रिस्पॉन्स एंड एक्शंस हमारा दिमाग हमारे नर्व्स को बताता है दिमाग सोचता है लेकिन हाथ काम करता है ठीक है लाइक पेड़ पर uh, कोई भी फ्रूट है हम उसको तोड़ना चाहते हैं हमारी आइज़ उस चीज़ को देखती हैं ठीक है थीके? जंप हम करते हैं और हाथ हमारा वहाँ पर पहुँचता है उसको तोड़ने के लिए फिर खा जाते हैं हमारे माउथ से यानी कि सारी कोऑर्डिनेशन करता कौन है हमारा दिमाग करता है हमारे सारे फिजिकल एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है हमारा दिमाग करता है ठीक है हमारा नर्वस सिस्टम करता है न्यूरॉन्स आर द बॉडीज इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे एंड एस्टिमेटेड 86 बिलियन न्यूरॉन्स कैन बी फाइंड इन द ब्रेन अलोन कितने बिलियन न्यूरो दैट इज एटी बिलियन न्यूरो हमारे अकेले ब्रेन में मिल सकती हैं नेक्स्ट देखो मोस्ट न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू टू थ्री बेसिक सेक्शंस न्यूरॉन्स फर्दर तीन बेसिक सेक्शंस में डिवाइड होता है डेंड्राइट्स होते हैं इसमें सेल बॉडी है एंड इज द एक्सॉन दीज सेल्स आर आल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ फंक्शन द थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरो आर एफरेंट न्यूरो पर ए है ठीक है एफरेंट न्यूरो एफरेंट न्यूरो एंड इंटर न्यूरो तो जो एफरेंट न्यूरोन्स हैं आर मोटर न्यूरोन्स दैट कैरी सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैसेजेस uh, पहुंचाते हैं सिग्नल पहुंचाते हैं वो है एफरेंट यानी कि ई से स्टार्ट होता है जो एफरेंट न्यू न्यूरोस हैं दीज आर द सेंसरी न्यूरॉन्स दैट ब्रिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस टू द ब्रेन ये इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं ब्रेन की तरफ देन द इंटर न्यूरो आर एसोसिएशन न्यूरो दैट कनेक्ट जो इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं वो कौन से हैं इंटर न्यूरोन्स तो न्यूरोन्स भी आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन आने की चांसेस कम होते हैं थ्री मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना मटेरियल सफिशेंट है अब तीन इसके टाइप्स बताइए ठीक है इसके तीन बेसिक सेक्शंस बताइए इसका फंक्शन बताइए इतने में आपका थ्री मार्क्स का कंटेंट भी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट कम्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है देखो यहाँ पे फिर से वो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन तो आपको देनी होती है अगर आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है या फिर तीन में होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ठीक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर इंक्लूड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वाइल द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ठीक है यहाँ पे क्या होता है सोमैटिक होता है और ऑटोनोमस जो uh, इसमें होता है देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड एक्सटेंड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग मसल्स एंड ऑर्गन्स प्राइमरी रोल क्या है पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम का इट इज़ टू कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑर्गन्स यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन है सेरिब्रम है सेरिब्रम है या फिर न्यूरोन्स है उनको दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट करना लिम्स एंड स्किन इनके साथ कनेक्शन उनका अच्छे से बिल्डअप करके रखना वो किसका काम है पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम का अब देखो द नर्व्स ऑफ पी एन एस एक्सटेंड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द आउटर मोस्ट एरियाज ऑफ द बॉडी पेरीफ्रल सिस्टम जो है ये क्या काम करता है इट अलाउज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू रिसीव एंड सेंड इंफॉर्मेशन ये कंट्रोल करता है उस चीज़ को कि ये अलाउ करता है कि दिमाग जो है यह स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारी बाकी बॉडी को इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है एंड रिसीव कर सकता है तो बेसिकली फोर जो प्राइमरी फंक्शन हैं इसके दैट इज़ कंट्रोल ऑटोनॉमिक बॉडी फंक्शंस कंट्रोल मोटर मूवमेंट्स डाइजेशन रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सारी चीज़ें ये कंट्रोल करता है देन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय द पेरेफिल नर्वस सिस्टम आर ये क्या है प्यूपल्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलेटिंग डाइजेशन ठीक है एक्टिवेटिंग द स्वीट रिस्पॉन्स कंट्रोलिंग ब्लड फ्लो रेगुलेटिंग द हार्ट रेट ये सारे क्या हैं प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय द पेरीफिल नर्वस सिस्टम है अब देख लीजिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है जैसे हमने टू पार्ट्स uh, इसके डिस्कस किए थे ये इसके स्ट्रक्चर में आ जाते हैं पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम में तो फर्स्ट इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम दिस इज पार्ट ऑफ पी एन एस रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है इसमें क्या होता है जो सेंसर सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन होती है इसकी जो मूवमेंट होती है ब्रेन की तरफ और ब्रेन से बाकी बॉडी की तरफ वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इसमें टू मेजर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं फर्स्ट इज मोटर न्यूरॉन्स एंड सेकंड इज सेंसरी न्यूरॉन्स देखो अगर आपको पेरीफ्ररी नर्वस सिस्टम पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मैंशन करनी पड़ेंगी तो मोटर न्यूरो ऑल्सो कॉल्ड एफरेंट न्यूरो जो हम बात कर चुके हैं एफरेंट न्यूरोन्स किसके लिए रिस्पॉसिबल थे कैरी इन्फॉमेशन फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल फाइबर्स थ्रू आउट द बॉडी और देन इज द सेंसरी न्यूरस ये कौन से हैं ए वाले एफरेंट न्यूरो ये क्या काम करते थे सेंसरी न्यूरोस कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नर्व्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व्स से हमारे ब्रेन की तरफ यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाना दिस इज़ देंसरी न्यूरोस का काम होता है देन इज़ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम तो ये क्या काम करता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ पी एन एस दैट रिस्पांसिबल फॉर रेगुलेटिंग इन्वोलेंट्री बॉडी फंक्शन सचैस ब्लड फ्लो हार्ट बीट डाइजेशन ब्रीदिंग जो हमारे इनर इंटीरियर में चलते रहते हैं हम सोच कर नहीं करते या फिर एक्चुअली जानबूझ कर वो नहीं करते वो हमारे इंटरनली अपने आप जो चलते रहते हैं दैट इज़ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ये सारे जो फंक्शन होते हैं इसमें फर्दर क्या है डिवाइडेड इंटू टू ब्रांचेज हैं ऑटोनॉमिक नर्वस जो सिस्टम है फर्स्ट इज सिंपथैटिक सिस्टम बाई रेगूलेटिंग द फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स द सिंपथेटिक सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी टू रिस्पॉन्स टू एन्वायरमेंटल थ्रेट जो भी इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हो सकते हैं वो कौन कंट्रोल करता है सिंपथैटिक सिस्टम जो ऑटोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है वेन एक्शन इज नीडिड द सिम्पेथेटिक सिस्टम ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स बाई एक्सलरेटिंग हार्ट रेट लाइक अगर आपको चलो किसी को भी है ना स्ट्रीट डॉग्स होते हैं हम पास ऑन होते हैं तो वो हमारे पीछे पड़ जाए कुत्ता हमें काटने लगे तो हमारे जो सिंपथैटिक सिस्टम के हैं फ्लाइट और फाइट यानी कि या तो उड़ जाओ या तो भाग जाओ या फिर उसके साथ लड़ाई करो कि उसको दबोच लो है ना ईंट पत्थर मार दो उसको कि भाग जा भैया हम तेरे से ज़्यादा स्ट्रॉग हैं तो वो इमीडिएट एक्शन जो हम अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं दैट इज़ सिंपथेटिक सिस्टम के थ्रू जनरेट होते हैं देन इज़ पैरा सिस्टम दिस हेल्प्स मेनटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शंस एंड कंजर्व फिजिकल रिस्पॉन्स रिसोर्स सॉरी वंस द थ्रेट हैज़ पास दिस सिस्टम विल स्लो दार्ट रेट यानी कि ये पहले हाई करने का काम करता है ये हमें कूल डाउन करने का काम करता है यानी कि कोई थ्रेट आता है तो हमें फाइट करना है या फिर फाइट के लिए जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं वो कौन कंट्रोल करता है सिंपथैटिक और पैरासिम्पथैटिक क्या करते हैं तूफान के बाद जैसे कहते हैं तूफान से पहले की शांति तूफान के बाद भी शांत हो जाता है ना सिस्टम तो वो शांत करने का काम कौन करता है पैरासिम्पथैटिक सिस्टम कि भैया सब कुछ हो गया लड़ाई झगड़ा कर लिया अब थोड़ा मसल को कंट्रोल करो हार्ट रीट को कंट्रोल करो वो कौन करता है सिंपथैटिक पैरासिंपथैटिक सिस्टम हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल करने की कोशिश करता है जो ब्लड हम कहते हैं ना कि बीपी बढ़ गया भैया बात करते करते गुस्सा आ गया तो वो गुस्से को कंट्रोल करने का काम है पैरासिम्पथैटिक सिस्टम का आई होप ये चीज़ें आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी सो so यहाँ पर हमारा ये सेशन भी कम्प्लीट होता है आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको कम्प्लीट सिलेबस जो है अपलोड कर पाऊंगी आपके लिए या नहीं तो पहले भी आपको बता रही हूँ ताकि आपका लॉस ना हो जैसे जैसे ही सेशन प्रिपेयर होते जाएंगे तो वो मैं अपलोड कर दूँगी बट आप अपनी स्टडी अपनी बुक से या फिर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसको कॉन्टिन्यू कीजिए बाकी मटीरियल मैं जितना बेस्ट लेकर आ पाऊँगी वो लेकर आऊँगी ऐसे सिर्फ ऐसे नहीं है कि कोई भी आपको बेकार सा मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूं सिर्फ इसलिए कि आप वीडियो ऊपर आएँ देखें बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है ठीक है मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी अगर आपको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊंगी तभी वीडियो अपलोड होगी अदरवाइज आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं सो so, फ्रेंड्स ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक चल द एंड वॉचिंग फ्रेंड्स